नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ। यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में देर रात दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। गांव के घर में शादी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। जिस किसी ने भी अंधेरे में मची चीख पुकार सुनी वो सहम उठा। घटना इतनी भयावह थी कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। शादी वाले घर में तो चीख पुकार ही मच गई, गांव से जिला अस्पताल तक हाहाकार मचा रहा। कमिश्नर डीआईजी डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक नौरंगिया गांव के स्कूल टोला निवासी परमेश्वर कुशवाहा के बेटे अमित कुशवाहा के विवाह पूर्व बुधवार देर रात हल्दी की रस्म अदा की जा रही थी। घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित कुएं के सामने मटकोट का कार्यक्रम चल रहा था। जिस कुएं के पास कार्यक्रम चल रहा था उससे आरसीसी स्लैब बनाकर बंद किया गया था। रस्म के दौरान बड़ी संख्या में महिला, युवती व बच्चियां कुएं पर बने स्लैब पर जाकर खड़े हो गए। अचानक स्लैब टूट गया और उस पर खड़ी महिला, युवतियां व बच्चियां कुएं में समा गई। कुआं काफी गहरा और पानी से भरा हुआ था। वहीं परिवार की महिला सदस्यों का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्लैब टूट जाएगा। हालांकि जब लोग उस पर चढ़ रहे थे तो मना भी किया गया था कि स्लैब टूट जाएगा, लेकिन डांस देखने के आगे कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर सबको बाहर निकाला। इसमें 1.5 घंटा लग गया और तब तक काफी देर हो चुकी थी। 15 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इधर कोटवा से एचसी में भर्ती 2 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल डीएम एस राजलिंगम व एसपी सचिंद्र पटेल ने बताया कि दिल दहला देने वाली घटना से सभी स्तब्ध हैं। जांच कराई जा रही है कि घटना में लापरवाही कहां और कैसे हुई। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।